हेलो डियर फ्रेंड दिस इज आशीष चार्ल्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी पार्ट ऑफ बीएससी एस सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर एक्सप्लेनेशन हम बीएससी एस सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहे थे तो ए बी सी पार्ट में क्वेश्चन पा, पेपर है सेक्शन ए वन मार्क्स वाले सेक्शन बी टू मार्क्स वाले सेक्शन सी फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन फाइव आते हैं फाइव फोर जो ट्वेंटी मार्क्स का ये पेपर आता है सेक्शन uh, सी वाले हिस्से से तो इस वाले पेपर के 22 2022 वाले पेपर को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ए और बी वाले पार्ट का वीडियो हम बना चुके हैं ये हमारी थर्ड वीडियो है थर्ड पार्ट है वीडियो का दूसरी चीज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर बड़े मार्क्स में क्वेश्चन कैसे लिखें बड़े मार्क्स में हम पेपर को मतलब बड़ा कैसे करके लिखें बहुत से ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है आपको आपको भी पता है कि एस डी एस यूनिवर्सिटी में एक ही पेप एक ही कॉपी मिलती है बी कॉपी का ऑप्शन भी नहीं रहता तो ऐसे नहीं कि दस पेज आपको एक ही क्वेश्चन में खराब करने हैं या टाइम उसमें ही लगाना है क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो वैसे तो थ्री आवर्स का टाइम आपके पास रहता है बट उसके बावजूद भी मतलब फिर भी आपको इतना जरूर लिखें कि जो वो आपसे पूछ रहा है जैसे छोटे मार्क्स में कई बार आपसे पूछा वट आर क्वांटम नंबर्स आप बता रहे हो देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर तो आप पहले उसके उसका जवाब दो जो मेन क्वेश्चन उसने पूछा है कि क्वांटम नंबर क्या है फिर टाइप टाइप्स पे बाद में बात करेंगे जैसे फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले जो वो आपसे पूछ रहा है वो बता दो अब वो लगता है कि आपको ये तो आधे पन्ने में ही खत्म हो गया थोड़ा सा दो तीन या दो पेज तक आपको जाना है तो आपको बड़ा करने के लिए उसके टाइप्स एग्जाम्पल्स वो सब ऐड करके ही क्वेश्चन को बड़ा किया जा सकता है और कोई ब्रह्मास्त्र होता नहीं तो क्योंकि हमारा जो नॉलेज है उसी को एक्सप्लोर करना होता है बाकी यही कला है बाकी तो आपने जो पढ़ा है वो सारा विज्ञान है वो केमिस्ट्री है वो साइंस है बेसिकली बट फिर जो आप एक्सप्लेन करते हो वो जो आप राइटिंग स्किल्स होती है वो आपकी आ, कला है उसी कला को हम फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पेपर समझाते हैं कि, कि किस तरीके से सॉल्व करना है आओ सीखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस द पोर्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप तक और ये इनकी पोजिशन भी हो जाएगी इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू ट्वेल्थ ग्रुप फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड एलिमेंट टोटल फोर्टी एलिमेंट्स नोन एज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट तो पोजिशन क्या क्या होती है डी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की वो ये लिखी हुई है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, आयरन कोबाल्ट, निकल कॉपर जिंक वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पैलेडियम सिल्वर कैडमियम ला हफ्ता तेरी वरना रे उसकी इसकी प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी, और यहाँ पे भी एक सीरीज़ आती है पूरी एमएससी पढ़ाने के बावजूद भी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई तो फिलहाल आपके पास पीरियोडिक टेबल में थर्ड से ट्वेल्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के टोटल फोर्टी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं याद रखना चाहें तो ट्रिक भी है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू जिंदगी नहीं ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी ला हफ्ता तेरी वरना रे उसकी इसकी पैलेडियम से महंगा प्लेटिनम सिल्वर से महंगा गोल्ड और मरकरी और ये तीन एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के इनको ट्रांशन एलिमेंट नहीं माना जाता क्यों नहीं माना जाता वो हम आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई दूसरी डेफिनेशन दोज एलिमेंट विच हैव टू वैलेंस सेल्स दोज एलिमेंट्स विच हैव टू वैलेंस शेल्स जिनमें दो दो वैलेंस शेल्स होती हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं तीसरी डेफिनेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट इफ़ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू द डी ऑर्बिटल रिपीट करके नोट कर लेना इन द इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलीमेंट इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू द डी ऑर्बिटल कॉल डी ब्लॉक पी ऑर्बिटल कॉल्ड पी ब्लॉक एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एफ ऑर्बिटल कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा तीन तो डेफिनेशन हो गई अब इतना जब आप तीन डेफिनेशन लिखोगे तो ये तो आधे पन्ने में खर्च हो जाएगा तो फिर आप, आप उसे कैसे डिफाइन करोगे इसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करो एटमिक रेडियस और एटमिक रेडियस के साथ साथ उनकी कलर्ड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट पे मैं पहले ही एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ तो बड़ा कैसे करना है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे और क्या क्या प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है कलर्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांशन मैग्नेटिक मोमेंट वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड करके इसे बड़े मार्क्स फोर नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इसे पहुँचा सकते हो मैं अभी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप डिटेल कर लेना इसको फ़िलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक्सप्लेन ए पार्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे डिफाइन करते हैं ये टू टू मार्क्स के लिए होगा क्योंकि फोर मार्क्स का है तो दो मार्क्स का ये दो मार्क्स का ये डिफाइन करना है आपको वेन अ मेटलिक रॉड कोई मेटल की रॉड हमने डिप की उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे सपोज जिंक की रॉड ली और हमने उसे जेड एन एस ओ फोर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया वेन अ मेटलिक रॉड कीप्स इन टू इट सॉल्ट सॉल्यूशन देन अ पोटेंशियल डेवलप्स बिटवीन बोथ ऑफ देम जब मेटल की रॉड को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल पैदा होता है दैट पोटेंशियल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी को क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द होल डब्बा और सिस्टम इज़ नोन एज हाफ़ सेल इस सिस्टम को हाफ सेल कहते हैं और ये जो हाफ सेल है अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल पैदा हो रहा है मेटल की रॉड डाल रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में तो एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है अगर वो पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो सॉल्यूशन हमने लिया है अगर उसका कंसंट्रेशन वन मोल पर लीटर वन मोलैरिटी का हो तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे डिनोट करते हैं ई नॉट से इस ई नॉट की वैल्यू को ही जब हम अरेंज करके लिखते हैं उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं फिलहाल और अगर ये मेटल की रॉड एनोड की तरह बिहेव करती है तो हम रिप्रेजेंटेशन कहीं पे इतना बड़ा डाइग्राम ना बनाओ करके ऐसे लिखाओ मेटल आगे आयंस मेटल के आयंस पीछे जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जेडन आगे जेडन प्लस टू पीछे लिख दिया तो ये एनोड का प्रेजेंटेशन है और ये एक हाफ सेल है मेटल को जिंक को ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है जो प्लस टू आयन दे रहा है तो मेटल आगे आयंस पीछे तो एनोड की तरह बिहेव करते हैं कैथोड के लिए रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है मेटल के आयंस को आगे लिखते हैं मेटल को पीछे लिखते हैं दैट रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ हाफ सेल एंड दैट इट इज़ फॉर कैथोड कैथोड के लिए ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये क्योंकि गैलविनिक सेल है तो आपको एक वर्ड याद रखना होता है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव चार्ज तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और खुद से सोचो कि जेड से क्या बन रहा है जेड एन प्लस टू तो जेड एन से जेड एन प्लस टू बनाओ और प्लस टू तब बना होगा जब इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और जेड एन प्लस टू ने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी जेड एन में कन्वर्ट हुआ होगा दो प्लस दो निगेटिव एड करके न्यूट्रल बन गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिडक्शन हो रहा है तो रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन सी काम चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करूंगा तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये और मैं पहले ही इन सब चीज़ों पे वीडियोस बना चुका हूँ तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जाकर आराम से वहाँ पे वीडियो को एंजॉय करें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं फिर हम आगे बढ़ जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं वर्नर्स थ्योरी क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस पर भी मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बट ये क्वेश्चन इसकी वजह से डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पहले ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कुछ स्टूडेंट का सवाल इस पर था कि ये कैसे करना है सर तो उस पर बात करते हैं तो वर्नर ने ऑल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले डिफ़ाइन किया और इन्होंने ये कहा कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ अ सेंट्रल मेटल एटम एक एग्जांपल ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये तो उन्होंने कहा कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ अ सेंट्रल मेटल एटम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का मेनली मुख्य रूप से डी ब्लॉक का होता है मेनली डी ब्लॉक का होता है सो एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ अ सेंट्रल मेटल एटम विच इज मेनली बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड कॉर्डिनेशन स्पेयर इस ब्रैकेट वाले हिस्से को कॉर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द कॉर्डिनेशन स्पेयर इज कॉल्ड पॉजिटिव फील्ड सेटिस्फाइड विद पॉजिटिव वेलेंसी एंड द राइट पार्ट ऑफ द कॉर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड नेगेटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी वैलेंसी इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट इज़ आइनाइज्ड इन नेचर जो मैं बोल रहा हूँ वन वन पॉइंट करके लिखते रहना वही वरना थ्योरी के पॉइंट्स हो जाते हैं एंड द स्पीसीज़ विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द मेटल एटम कॉल्ड लीगेंड लीगेंड जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल लीगेंड वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर होते हैं दो डेफिनेशन लिगेंड की यही हो गई जो मेटल से डायरेक्टली जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉल लीगेंड विच कंटेनिंग एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो काई की तरह बिहेव करते हैं लुइस बेस की तरह और क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को ये अपने लोन पेयर देते हैं तो लीगेंड के पास लोन पेयर है मेटल के डी ऑर्बिटल में ये अपने लोन पेयर डालते हैं तो कॉर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है इसीलिए इन्हें कोर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं और फिलहाल ये जो होते हैं वो लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और हाँ, जो लीगेंड है उनको सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला जाता है और इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है एंड इट इज़ नॉन आइनाइज्ड इन नेचर ये वाला हिस्सा तो टूट जाता है लेकिन ये ब्रैकेट वाला हिस्सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ब्रेक नहीं होता है यही डिफरेंस डबल सॉल्ट और कॉर्डिनेशन कंपाउंड में होता है तो जितनी भी बातें मैं बोल रहा था वीडियो को आराम से सुनते सुनते एक एक लाइन वन वन पॉइंट में लिखते रहना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके तो वो जो पॉइंट होते हैं वो वनर्स थ्योरी कहलाता है तो इसी को ये एक डेढ़ पेज तक आप इसके पॉइंट वगैरह के बारे में लिख सकते हैं और यही आपका वनर्स थ्योरी कहलाता है और एक आध एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं अब मैं इसके दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे यही कंपाउंड है और ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल में जैसे ये वाला जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है वो कभी ब्रेक नहीं होता लेकिन ये या ये ब्रेक हो सकते हैं तो अगर मैंने इसमें ए मिलाया तो ए में जो सिल्वर होता है वो क्लोरीन से बहुत मोहब्बत करता है और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना देगा तो टू मोल्स ऑफ ए जी सी एल बन जाएंगे कितने मोल्स बन जाएंगे टू मोल्स ऑफ ए जी सी एल हो जाएंगे तो इस वाले कंपाउंड में जब टू ए जी सी एल बन जाएगा तो ये तो सी एल निकल निकल जाएगा यहाँ से तो इस पर आ जाएगा उसके रिस्पेक्ट में के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स जब टू सी एलट निकल, निकल गए तो इसके रिस्पेक्ट में इस पर टू पॉजिटिव चार्ज कहीं आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये बोलता है कि अगर मैंने मुझे इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं या आपके कितने मोल्स लगेंगे कि आपका ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाए तो क्योंकि ये वाला जो ये जितने नंबर ऑफ़ मोल्स जैसे क्लोरीन के टू है यहाँ थ्री होते तो थ्री मोल्स ऑफ ए जी एन ओ थ्री लिखते तो दो या तीन मोल्स हम मिलाते हैं तो ये अपना आयंस में ब्रेक हो जाता है तो बेसिकली इसकी प्राइमरी वैलेंसी या इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा वो डिसाइड हो सकता है कि आपके पास उसने कहा जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि टू मोल्स ऑफ ए फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें टू मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे या टू मोल्स ऑफ ए बोलता तो यहाँ पर टू मोल्स होते हैं और क्वेश्चन में यहाँ पर थ्री थ्री मोल्स ऑफ ए बोलता तो दैट मीन्स कि नेगेटिव फील्ड में जो कंपाउंड में जो नेगेटिव फील्ड है वहाँ पे कितने ब्रोमीन प्रेजेंट है वहाँ पे थ्री ब्रोमिन प्रेजेंट होते हैं अगर थ्री ए जी बी आर बाहर निकलता तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है कि कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करने का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को बताने का और बाकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर पर बात कर सकते हो और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पर बात कर सकते हो मेनली जो ये आता है क्वेश्चन कि कितने मोल्स ऑफ ए थ्री लगेंगे या, या दो बन रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे ऐसे पूछ लेगा या कितने जिनमें थ्री के मोल्स लगेंगे इसको ब्रेक करने के लिए तो जितने यहाँ पर मोल्स होंगे जैसे टू होंगे तो टू थ्री होंगे तो थ्री फोर होंगे तो फोर इस तरीके से लग जाते हैं तो ये थ्री क्वेश्चन पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आगे बात करते हैं सो so, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लेंथेनोइड एक्टेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरिजन से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है मैं आपको यहीं पे पढ़ के बता दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्पेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड्स विद लेंथेनॉइड एक्टेनोइडस का लेंथेनॉइड के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरिजन बताना है लेंथेनॉइड एक्टेनोइड से दो चार सवाल आते हैं वो ए बी सेक्शन में हमने लेंथनोइड एक्टेनॉइड के क्वेश्चन आंसर्स कर भी लिए उसके बाद हमें इस पर जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है तो पहले इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं उससे आया भी है बल्कि ए बी पार्ट में तो वहाँ पर भी हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया था फिर से अब मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने का इस वाले टॉपिक पर और अभी मौका मिल गया है कि पेपर में भी आए तो अभी इसे पूरा डिफाइन ही कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं तो आप सबसे पहले जब भी इससे रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आए तो मैंने यहाँ दोनों ही सीरीज़ लिख दी है एलिमेंट्स आपको पता है ए बी ए बी वाले पार्ट में याद ही है मुझे लेंथिनम सीरियम प्रेसोडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमिथियम समारियम यूरोपियम गडोनीियम टर्बियम डाइसप्रोसियम होलमियम अर्बियम थूलियम यूट्रीबियम ल्यूटेटियम एक्टिनियम थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपचूनियम प्लूटोनियम अमेरिकियम क्यूरियम बर्केलियम, कैलिफोर्नियम आइसोनीम फर्मियम मैंडलीबियम नोबेलियम लॉरेंसियम स्वाहा तो बेसिकली ये एलिमेंट्स याद रखने होते हैं और इसको याद करने की ट्रिक्स भी हैं मुझे ट्रिक में थोड़ा सा इशू लगता है मतलब मैं ट्रिक भूल जाता तो हूँ फिर भी एलिमेंट्स मुझे ध्यान रहते हैं तो मैं इवन भेज दूंगा आपको सारी ट्रिक्स पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए आप मुझे कमेंट कर देना मैं पूरा पूरा मैंने पूरा चार्ट बना रखा है उससे आप पूरी पीड़ि टेबल को लर्न कर सकते हो अगर ट्रिक चाहिए तो तो एक तो एलिमेंट लिखना है आपको फिर आपको नेम भी लिखना है जो मैं कैर लेंथ है नम सीरियम तो मैंने नेम नहीं लिखे वो नेम आप आराम से लिख सकते हैं और इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी जाते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर बात कर लेते हैं देखो सब में सिक्स एस में सब में सबसे पहले तो टू भर दो क्या क्या करना है पहले आपको लेंथ का एक्टिन एटमिक नंबर होता है फिफ्टी सेवन यहाँ करते रहना सेवनटी वन तक एंड होगा फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवनटी वन तो सब में फोर एफ फाइव डी सिक्स एस ये जिनॉन इनेट गैस वाला है फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फोर एफ में नहीं जाता फोर एफ जीरो रहता है और फिर सिक्स एस में सबसे पहले आप क्या कर लो सब जगह फोर है फाइव डी सिक्स एस वही लिखा है देखो मैंने उसके बाद सिक्स एस में सब में टू कर लो कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं ये देखो ध्यान से और फिर यहाँ पे वन यहाँ पे वन बाकी सब कुछ जीरो 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 जीरो, जीरो गडोलिनियम वाले में वन लिख देना बाकी सब में जीरो 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 और लास्ट वाले में वन 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 जीरो 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 गडोलिनियम वाले में वन बाकी सब डी में जीरो लास्ट वाले में वन भर लेंगे आफ्टर दैट आते हैं कि यहाँ पे देखो 54, 55, 56, 57 तो भर ही गए तो अभी क्या हुआ कि जब वन भरना था वो यहाँ आया क्योंकि सिक्स एस टू है फाइव डी में वन था यहाँ भी वन है तो जो एक बढ़ना था वो ये बढ़ चुका है तो फिफ एक इसका फिफ्टी एट हो गया होगा तो एक एटमिक नंबर बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़े होंगे वो यहाँ बढ़ गया अब यहाँ पे से मुझे एक बढ़ाना था लेकिन वन से जीरो पे एक कम हो गया तो एक बढ़ाना है तो सीधे कितने बढ़ने थे दो बढ़ने थे लेकिन दो की जगह हम यहाँ पे सीधे कितने फिल हो जाएंगे हमारे पास थ्री फिल हो जाएंगे फाइव एफ फोर एफ में थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर, फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट होना था लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना था वो यहाँ बढ़ गया तो एट नहीं आता सीधे नाइन आता है फिर एक कम हो गया तो एक बढ़ेगा तो सीधे ग्यारह बारह तेरह हाँ सॉरी नाइन फिर सीधे कितना आया टेन फिर इलेवन फिर ट्वेल्व फिर थर्टीन कुछ अभी गड़बड़ तो नहीं हो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अच्छा सॉरी यहाँ एक गड़बड़ हो गया, सेवन जो बढ़ना था वो यहाँ बढ़ गया तो ये तो सेवन ही रहने वाला है फिर ये एक बढ़ना था सीधे एक कम हो गया यहाँ डी से यहाँ पे एक कम हुआ एक बढ़ना था तो सीधे दो बढ़ेंगे इसलिए नाइन हो गया फिर यहाँ आता टेन फिर ये आएगा आपका इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिर फोर्टीन क्योंकि एक जो बढ़ना था इलेक्ट्रॉन वो यहाँ डी में बढ़ गया तो यहाँ फोर है फोर्टीन तो सिक्स एज में सबमिट टू वन वन जीरो 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 गडोलिनियम में वन और लास्ट वाले में डी में वन आएगा फिर जीरो वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन दो बार आता है एट नहीं आता फिर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन ऐसे चलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन था वहाँ से करना था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री बड़े आराम से याद हो गया गडोलिनियम वाले का प्लस थ्री बड़े आराम से याद प्लस थ्री याद हो गया होगा अब आप नीचे की तरफ चल रहे हो प्लस थ्री से तो दो बार नीचे चलो प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस, प्लस फोर इसका याद करो प्लस थ्री प्लस, प्लस, प्लस फोर प्लस थ्री प्लस फोर ऊपर की तरफ चलो अब तो दो बार प्लस टू प्लस थ्री प्लस, प्लस टू प्लस थ्री इसके ऊपर चल लेते हैं दो बार प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री इसके ऊपर तो जगह ही नहीं है अब जो बच गए वहाँ प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री और प्लस थ्री तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर ये ध्यान रखोगे कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोली जाती है लेंथनोइड के लिए वो बाद में कन्वर्ट होकर के प्लस टू प्लस फोर जो शो कर रहे हैं वो भी प्लस थ्री ही शो करते हैं एक क्वेश्चन स्पेशली लेंथनोइड के लिए ये पूछा जाता है कि सीरियम वाले का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखोगे प्लस फोर होता है और सीरियम <coughs> वाले का प्लस फोर होता है और एक आपका यूरोपियम वाला है जो प्लस टू में इस, स्टेबलाइज करता है बाकी सबके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथनोइड में प्लस थ्री चलते हैं जैसे यूरोपियम वाले का मैंने बताया प्लस टू चला जाएगा तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा ऐसे सीरियम प्लस फोर बन जाएगा तो आपके पास ये वैकेंट हो जाएगा इसलिए सीरियम प्लस फोर यूरोपियम प्लस टू में और बाकी सबके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ही होते हैं और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि लेंथनोइट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट प्लस वन से प्लस सेवन या प्लस एट तक भी कंपाउंड बना लेते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिग्रेशन को आ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा नहीं फॉर्म कर पाते तो ये तो था लेंथनोइट के लिए पॉज करके आप स्क्रीन ले लें फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और एक्टिनोइड्स के बारे में बात करने वाले हैं अब जैसे एक्टिनोइड वाले का है तो एक्टिनोइड का कहानी शुरू होती है एट्टी नाइन से नाइन्टी नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी 100, नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन हंड्रेड वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड थ्री एटमिक नंबर तो इनके कॉन्फिग्रेशन याद रखने के लिए सेवन एस में सब में टू भर दूँ समझ आई क्या होगा सबको क्या करना है फिर वन टू वन 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 जीरो जीरो वन वन टू वन 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 जीरो जीरो वन फिर जीरो 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 लास्ट वाले में वन अब बारी आएगी रेडॉन का हमको पता है एटी सिक्स होता है इसका एटी नाइन वाले का करना है एटी सिक्स एट्टी सेवन एटी एट एटी नाइन तो फाइव एफ में नहीं जाता जीरो हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना था ये तो सेम है एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ गया तो यहाँ पे फिर से ज़ीरो ही रहता है एक कम हुआ और एक बढ़ाना है तो सीधे दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच होना चाहिए था लेकिन क्योंकि एक यहाँ कम भी हो गया है डी से तो एक बढ़ जाएगा सीधे सीधे तो आ जाएगा सिक्स फिर सेवन एक जो बढ़ना था वो यहाँ बढ़ गया तो सेवन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे फिर एक कम हो गया तो सीधे बढ़ेगा यहाँ नाइन फिर टेन फिर एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन और फिर फोर्टीन क्योंकि एक बढ़ना था वो यहाँ बढ़ चुका है अब बात कर, आती है जिस पे क्वेश्चन था वो कैसे करना है प्लस तो यहाँ पर से ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ये वाला एलिमेंट प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स तक शो कर लेता है प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक शो कर लेता है प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन और प्लस एट यही है जो मैक्सिमम शो कर पाता है आपका एक दो तीन चार पाँच छः ये प्लूटोनियम वाला प्लस एट तक में भी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और बाकी जो है इसके बाद वो ये वाला प्लस थ्री प्लस फोर और ये वाला प्लस थ्री प्लस थ्री और दूसरा इसके नीचे भी प्लस थ्री शो कर लेता है प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस थ्री और ये वाला लास्ट वाला प्लस थ्री इतना याद रख ही सकते हैं कौन कितना कितना शो कर रहा है और जो बच गए ये प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री और प्लस टू प्लस थ्री फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं एज कंपेयर टू लेंथनोइड अब रीजन वीजन की अगर हम बात करें तो देखो मुझे इतना समझ में आता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रियलिटी नॉट एक्सेप्शंस दुनिया में जो इनके कंपाउंड्स रिसर्च हुए होंगे वो प्लस एट तक में रिसर्च हुए अगर माना कि ये वाला कंपाउंड कोई रिसर्च हो गया प्लस फाइव प्लस सिक्स में तो ये भी बना लेगा क्या दिक्कत है फिलहाल तो अभी तक जितनी पढ़ाई हमारे पास है वो इतनी है कि ये वाले कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं याद रखने के लिए लेंथनोइड की ट्रिक बता दी एक्टोनोइड भी ऑलमोस्ट ट्रिक से एट तक बढ़ाओ प्लस थ्री प्लस फोर लिखो फिर प्लस थ्री प्लस थ्री और लास्ट वाला प्लस थ्री कर लो जो बच गए वो प्लस टू प्लस थ्री शो कर दें और कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखना है डी में याद रखना है बस वन टू वन 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 जीरो जीरो वन जीरो 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 वन और बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने थे वो इतनी गिनती हमें आती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकें तो लेंथनॉइड और एक्टेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरिज़न देख ही पा रहे होंगे कि कैसे हैं बाकी फ़िलहाल इसे ख़त्म करते हैं पॉज करते हैं आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं पॉज करके इस्क्रीन ले लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं एसिड बेस डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो तो मैं एक पूरी वीडियो एसिड एंड बेस पे बना चुका हूँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आराम से पूरा वीडियो एंजॉय करो हर एक एक टॉपिक को समझो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पूछा है वही पूछे कोई जरूरी नहीं है आरिनियस ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट आरिनियस ब्रॉन्स्टेड लॉरी लूइस एसिड बेस लक्स फ्लड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस को डिफाइन करते हैं इस पेपर में ब्रॉन्स्टेड लॉरी पूछा है अगले पेपर में कुछ और पूछ ले क्या पता यही पूछ ले तो हमने पूरे एसिड बेस को डिफाइन किया है वीडियो को लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी यहाँ देखो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आइनाइजेशन सॉल्वेंट ये चार नंबर के सवाल ये है चार नंबर का सवाल ये है तो ये पूरा का पूरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक जो पूरी यूनिट है आपकी उसी से क्वेश्चन है और आठ नंबर का सवाल आया है वैसे तो आपको सिर्फ पाँच ही करने होते हैं पाँच तो मैं वैसे ही डिफाइन कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आठ आते हैं तीन तो आपको छोड़ना ही होते पेपर में बट फिर भी मैं इस वाले नॉन एक्वर सॉल्वेंट पे एक वीडियो बनाने का काफ़ी टाइम से सोच रहा था अभी तक बनाया नहीं है तो इस पूरे पे अलग से ही वीडियो बनाऊंगा सिर्फ एक एक चैप्टर पे तो वहाँ उसका लिंक बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और एसिड बेस वाला तो आपको मिल ही जाएगा तो आपको मैं पूरा ही पेपर इनऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट डिफाइन कर चुका हूँ बाकी किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है पूछ लें कमेंट कर लें और बाकी पूछते रहें साथ में बने रहें स्टेट ट्यून बाकी जी लो फिलहाल अपनी जिंदगी नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून हैव अ गुड डे गुड बाय गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू सो मच